गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपसे कि इस सेगमेंट में मैं जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ, वो शख्स अगर ये वाला इंटरव्यू देख ले तो अपना पेट क्या, अपनी किडनी पकड़ पकड़ के हंस हंस के उनकी क्या हालत हो जाएगी, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसे हाल ही में पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया, और इसी मौके पर यूपी की एक सुपरस्टार महिला और हम सब की भाभी डिंपल यादव जी का स्वागत करूंगा मैं इंटरव्यू में। भाभी पाए लगी आप सभी को धन्यवाद। भाभी भाई साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको हटाइए ना थोड़ा बगल में। अरे ऐलान कर रहे हैं, अभी सब करेंगे ऐलान। क्या क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे? कह रहे ऐलान कर दीजिए, हम कह रहे करेंगे बात तो कर ले पहले। पहले बात करेंगे भाभी जी हमारी। वैसे आपने फन की बात के बारे में जो सुना है, आपकी क्या राय है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए हमारा प्रोग्राम? जहाँ लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है। मतलब फन की बात करने वाला भी तो कोई चाहिए, है कि नहीं? आप पहली बार आई है, कुछ कहना चाहेंगी? हम यहाँ की पतोही है। पतोही क्या होता है वैसे? हमारे साथ जबरदस्ती की कोई रिश्तेदारी नहीं ना, है कि नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहती क्या है। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं इतना भी बड़ा, ऐसी उम्र भी नहीं है मैं आशीर्वाद दूँ, बहुत छोटे हैं हम, मुफ्त में तो हम सलाह भी नहीं देते, आशीर्वाद क्या देंगे, है कि नहीं? हाय, ये वाली बोली आपने कहाँ सीखी और कब सीखी? अभी संडे को, शनिवार को ही। क्या कहा आपने? संडे को? अभी संडे को, शनिवार को ही। ये भगवान, यही देखना बाकी रह गया था, संडे को शनिवार होता है। सॉरी, मैं ये कह रहा था डिंपल जी कि मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब अभी। और मैं समझती हूँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे अखिलेश भाई कहते हैं काम बोलता है, ये किस तरह की काम की बात करते हो सारा टाइम? कोई काम की बात नहीं है। ऐसा मत कहिए अखिलेश जी के बारे में। अच्छा, हमारे भैया दिल के तो अच्छे हैं ना? इतने बड़े झूठे, और उनकी सरकार कैसी है? झूठी सरकार है ये। भाभी नहीं, भाभी ऐसा भी क्या किया इस सरकार ने, यहाँ क्या किया है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती रही उत्तर प्रदेश की जनता को। अरे हसीन सपने, एक मिनट, कुछ और तो किया होगा ना मतलब सरकार ने? दुख देने का काम इस सरकार ने किया है। अच्छा, इतना दुख। तो आप अखिलेश भैया से क्या कहना चाहती हैं, खुला मंच है, कह दीजिए। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग। भाभी 3 साल नहीं, 5 साल, 5 साल। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। सॉरी, मैं किससे बात करूं भाभी, आप यू आर ऑलवेज राइट। तो ठीक है, मेरे को लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है। और मैं समझती हूँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाभी ने बोल दिया नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताइए, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब आप? ये गलती की गई थी। अच्छा, तो इस गलती का कोई रिजल्ट निकला भाभी जी? इसका परिणाम ये हुआ है कि कोई भी काम बोलने को इन लोगों के पास नहीं है मंचों से। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी की पार्टी पहले तो 27 साल बेहाल कह रही थी, फिर उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा अचानक से बदल गई, तो इस मतलब इस पे क्या है, मतलब? मैं पूछना चाहती हूँ कि भाषा क्यों बदली? अरे वो तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसी को पता है? नहीं पता है किसी को नहीं, आप बताइए भाषा क्यों बदल गई? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना भौजी, क्यों बदल गई भाषा? भाषा क्यों बदली? अरे क्यों, वही पूछ रहा हूँ भौजी, भाषा क्यों बदली? हाँ, क्या बताइए? खुफिया सूत्रों से इन लोगों को पता चल गया। क्या पता चला है खुफिया, क्या पता चला है? उनको हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। हे भगवान, 1 किलो घी के लिए पार्टी बदल ली तो इसलिए भाषा भी बदली। वैसे आप ये घी कब देंगी उनको? अभी संडे को, शनिवार को ही। संडे को शनिवार आता, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। वैसे राहुल गांधी जी जब पार्टी का प्रचार करके थक जाएंगे तो उन्हें क्या देंगी आप? उनको हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। कांग्रेस कार्यकर्ता जब आपकी रैलियों में झंडा फहराएंगे तो उनको क्या देंगी आप? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और अगर आपकी सरकार बन गई और शिवपाल यादव के हाथ कुछ नहीं आया तब उनको क्या मिलेगा? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। बस तो चाचा को भी घी और पाउडर मिलेगा। वैसे भाभी जी जाते जाते एक बात बताइए, अखिलेश जी और उनके सरकार के काम के बारे में आप कुछ कहना चाहते, कुछ संदेश देना चाहती हैं? लोगों की सेवा करने का काम करें और सपने दिखाने का काम बंद करें। बंद करें। वैसे अगर ये संदेश मैं अपने यहाँ से उन तक पहुँचवा दूँ तो जो पहुँचाएगा उसको आप क्या देंगी? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। मिल्क पाउडर भाभी की तरफ से और घी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, भाभी के लिए और एक बार तालियां। बहुत शुक्रिया। वैसे
ओके बाय 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 ओके। तो भैया भाभी जी का यही कहना था कि अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम देसी घी की गंगा और मिल्क पाउडर की जमुना बहाएंगे। क्यों राहुल जी? गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। ये गंगा जमुना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बस करिए इंटरव्यू खलास। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर अपने आसपास कोई भारी या नुकीली चीज रखी हुई देखें तो उससे दूर हट जाएं, वरना हो सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को सुनने के बाद आप वो भारी या नुकीली चीज अपने सर पे दे मारें। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे। लंदन दिल्ली को, सही सुना आपने। वैसे दिल्ली को लंदन बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जिन्होंने अपनी सरकार बनने पर फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, पर उस पर सफाई पेश करने से पहले उन्होंने नया वादा पेश कर दिया। सर एक बात बताइए केजरीवाल सर, आपको क्या लगता है आपका ये वादा हम लोग सुन लेते हैं? हम क्या हम गधे? एक बार और, हम क्या हम गधे? ये किस टाइप का लंदन बनाने का सपना देख रहे हैं आप दिल्ली? मतलब क्या जब दिल्ली लंदन बन जाएगी तो ऐसे तिजोरियां तोड़कर चोरी होंगी ऐसे? वैसे केजरीवाल जी, लंदन में एक फेमस म्यूजियम भी है, क्या आप दिल्ली के विधानसभा के कुछ लोगों के साथ म्यूजियम भी बनाएंगे? वैसे आप बना सकते हैं क्योंकि यहीं आप ही के कुछ MLAs हैं जिन्हें राशन कार्ड बनाने के अजब गजब तरीके के लिए म्यूजियम में रखी देना चाहिए। फिर भी आपके वादे को सीरियसली लेते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि बकिंघम पैलेस कहाँ बनेगा और दिल्ली की महारानी कौन होंगी? क्वीन एलिजाबेथ की तरह कौन होंगी? शीला जी को तो यूपी भेज दिया गया और किरण जी को पुदुचेरी। वैसे क्वीन कौन बनेंगे और बकिंघम पैलेस कहां होगा ये आइडिया आपका है, लेकिन मैं आपसे कह दूं चर्चिल वॉर रूम सिर्फ यही बनेगा। JNU वॉर रूम ही है, हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है। पर मैं आपसे और एक बार छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वाईफाई के वादे की तरह इस लंदन बनाने वाले वायदे को भी बफरिंग में मत डाल दीजिएगा, वरना हमको लगेगा कि हमारे तो तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, कर्म फूटे हैं। आप गुस्सा मत होजिए, हम आगे बढ़ते हैं, इस खबर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन। और फाइनली वो सेगमेंट आ चुका है जिसके आते ही लोग मुंह में दबा हुआ गुटखा, खैनी, पान मसाला जो होता है या पान जो होता है उसे जाकर थूक आते हैं। क्यों भाई? जब वो मुंह में रखोगे तो खुल के हाथ थोड़ी पाओगे। थूक और सेगमेंट चालू होगा हमारे इंटरव्यू वाला। हाँ फाइनली जनता की इतनी भारी डिमांड पे आज हमारे इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में हम पहली बार स्वागत करते हैं दिल्ली के PM और देश के CM श्री अरविंद केजरीवाल जी का। जोरदार तालियां। सर नमस्कार, मेरा नाम रौनक है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा कभी ना बनूं। सर स्वागत है, सर शुरू करते हैं। आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाएंगे सर, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हम शुरुआत भी उसी चीज से करें जिस चीज से की वजह से आपने आज तक सबसे ज्यादा छुट्टी मारी है। खांसी करके आपने ये पक्का कर दिया कि आप ओरिजिनल वाले हैं और आप में कोई टैम्परिंग नहीं हुई है। वैसे सर हमारे शो के बारे में आपके यहाँ तो सभी लोग को पता होगा, सब जानते होंगे। अब मोटे मोटे तौर पर सब लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया, सबको जानना भी चाहिए सर, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि आप फिल्मों के बड़े शौकीन हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर फिल्मों का रिव्यू वगैरह थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं। पूरी पार्टी में आप ही फिल्म क्यों देखते हैं? आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते मुखिया होने के नाते। लेकिन अगर सर फिल्म संदीप कुमार की तरह अगर फिल्म घटिया निकले तो पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि फिल्म अगर बुरी होती है तो इस पे ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि अगर फिल्म ज्यादा बुरी होती है तो लोग सामने से अंडे टमाटर फेंक के मारते हैं, वो अगर मारेंगे तो वो कहाँ मारे? वो हमारे सर माथे पे। सर देखा, ये होता है नेता, ये होता है नेता जो सब अपने पे ही लेता। सर एक सेकेंड, शायद बगल में कोई फोन आ रहा है। देखिए सर, वैसे काफी टाइम हो गया, 30-40 सेकेंड हो गए, आपने वो नहीं किया, वो गधे वाला नहीं, वो वाला। ये बीच बीच में करते रहिए अब यार, इससे पता थोड़ा माहौल बना रहता है। वैसे मैं ये कह रहा था कि गोवा में तगड़ी हार मिली है उस पे आपका ध्यान गया कि नहीं? गया ही होगा, मतलब बड़ी बारीकी से एनालिसिस की है। अच्छा, क्या एनालिसिस किया आपने? जबरदस्त
आंधी आम आदमी पार्टी हाँ? आंधी बोलते पीछे का दरवाजा खुल गया, एक बार वापस देखिए दरवाजा, जबरदस्त आंधी आम आदमी पार्टी की। सर इतनी आंधी थी तो फिर 38 लोग की जमानत क्यों चली गई, मतलब अजीब नहीं है ये? कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े होंगे, प्रश्न क्यों नहीं खड़े होंगे, जो बहुत सीरियस क्वेश्चन है। बिल्कुल सीरियस प्रश्न तो सीरियस है, आप सीरियस नहीं लग रहे हैं यार, फिर से बगल में देख रहे हैं, या मोबाइल ही देख लो या इंटरव्यू देख लो, खत्म करते हैं। और हाँ बताइए बताइए बताइए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे क्या? इसपे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? तो खड़ा होता है प्रश्न चिन्ह, वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे हो गया। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। समझ, अरे आपको क्यों नहीं समझ में, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा मुखिया, आपको समझ में आना चाहिए ना। सर बोलिए तो, शांत क्यों हो गए, आखिर मेरे सवाल ने ऐसा क्या कर दिया? बड़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, इस प्रश्न चिन्ह की टांगे तोड़ दो ना, बार बार खड़ा क्यों हो जाता है? वैसे कोई बीमारी है क्या, बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो आप? बीमारी है। कौन सी बीमारी? सर आपको, सर आपको खांसी कैसे हो गई है, मतलब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? आपको तो लगता है कि हम एक्चुअली में, चलिए आप किसी बूथ की बात कर रहे थे, कहां अटक गया, बूथ की बात कर रहे थे जिसपे आपको बहुत कम वोट मिले, कितने? इसमें हमें 3 वोट मिले। 3 वोट? सिर्फ 3 वोट? ये कैसे हुआ? इसपे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 वोट कैसे मिले, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गए, 3 वोट कैसे मिले? जबकि वहाँ पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं। 7 वॉलंटियर, उनके घर पे कितने लोग हैं वॉलंटियर्स के? और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं। मतलब फैमिली मेंबर्स का छोड़िए, वॉलंटियर्स ने भी आपको वोट नहीं दिया, इस पे तो मतलब वही हो गया है ना कि क्या खड़ा हो गया, मतलब मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं सर नहीं उड़ाएंगे, इस पे तो वही हो गया ना, क्या हो गया? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? चलिए सर खड़े होने दीजिए या बैठने दीजिए, मैं तो कहता हूँ लेट जाए प्रश्न चिन्ह, इंटरव्यू खत्म। आपको फाइनली कुछ कहना है तो बोलिए, फिर बंद करते हैं। सर अब 2 प्रश्न उठते हैं।